रिटर्न पे भी कर दिया था, मांगते हैं आपसे 5 या 6 हजार। यानी कि ये आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर के पास कॉल करने वाला हूँ जो कि लोन नाउ से, एआई क्रेडिट एप्लीकेशन से और लेजेंड रूपी यानी तीनों एप्लीकेशन से लोन लेकर के उसका लोन भी क्लोज कर दिया था, फिर भी इनको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट किया जा रहा है और इनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी कुछ न्यूड फोटोज इनका जो सेल्फी वेरिफिकेशन किए थे उसको भेजा जा रहा है और इनको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट, ब्लैकमेल सारा कुछ किया जा रहा है। तो सबसे पहले इनके पास कॉल करते हैं, आखिर इनके साथ बात करने के बाद पता लगाते हैं कि आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इनकी बातों को सुना और इस वीडियो में सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। अगर आप भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर के फंस चुके हो, हरासमेंट हो रहे हो, ब्लैकमेल हो रहे हो, तो कैसे बच सकते हो, कैसे आप इन सब सारे एजेंट से बच सकते हो, तो चलिए सबसे पहले कॉल लगा लेता हूं। नितेश मौर्य बोल रहा हूं, टेक्निकल सिलेक्टर से, इंस्टाग्राम पे बात। तो एआई क्रेडिट एप्लीकेशन से कैसे प्रॉब्लम है, कैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया, सारा कुछ डिटेल में बताओ, कुछ छुपाना नहीं है भाई, ठीक है ना? नहीं, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए। मैं ना क्या लोन केस बता, तो मैंने 3 एप्लीकेशन के एआई है, एक लोन नाउ और एक लेजेंड रूपी करके है। अच्छा, एआई लोन नाउ और लेजेंड रूपी लोन एप्लीकेशन। हां, अच्छा, तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया था। अभी क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हो ना, तो यानी दूसरे इसमें ऐप में कैसा होता है, अप्लाई कर दो तो उसमें आता है कंफर्मेशन के लिए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ये तो सही है। उसमें क्या है, उसमें क्या, एक बार आपने क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली वो ये हो जाता है, यानी अप्रूव 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 और फिर आना चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा। और उसके इसमें क्या हो गया कि सपोज 2000 या फिर 2100 अगर आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो ये रिटर्न मांगते हैं आपसे 5 या 6 हजार। यानी कि ये तीनों एप्लीकेशन का आप बात कर रहे हो ना? जी हाँ जी, तीनों का। अच्छा अच्छा, मतलब 5000 का अगर अप्रूव होता है तो जिसमें आपका 3000 ही बैंक में आता है और आपसे 5000 मांगते हैं पैसे, है ना? जी हाँ जी हाँ। अच्छा। अभी क्या हो गया, फर्स्ट टाइम जब भी हुआ था ना, तो ऐसा कुछ 10-11 हजार मेरे इसमें आ गया था। अच्छा, और मैंने रिटर्न पे भी कर दिया था। अच्छा, पे भी कर दिया तीनों एप्लीकेशन में? हाँ, फर्स्ट टाइम सर था ना मेरे लिए। अच्छा 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 अच्छा, कोई ना कोई ना। हाँ चलिए, तो मैंने क्या करता है, रिटर्न पे कर दिया। मैं सोचा चलो यार, जान छूटे पर पे कर देते। हाँ हाँ, वो तो है, सही है। तो वो कर दिया, सब हो गया। फिर से यानी क्या बोलते हैं, अचानक से क्रेडिट होना कुछ चालू हो गया था मेरे इसमें। अच्छा ठीक है, और उसमें आउटस्टैंडिंग मेरा बताने लग गया अचानक से ज्यादा कुछ ऐसा। हाँ। मैं फिर डर गया था तभी। हाँ। तभी फिर क्या हो गया, तो उन्होंने मेरे को मैसेज डाला कॉन्टेक्ट लिस्ट के साथ और मेरा इमेज मॉर्फ कर दिया था। और बोलूंगा कि मैं आपको फैमिली में भेज दूंगा, तुरंत ऐसा करो। तो तभी रात को डर गया था। तो मैंने क्या कर दिया, तो ये सब वीडियोस और ये सब देखा था, तभी मैंने आपकी मतलब सर्च किया, देखिए क्या चालू है। हाँ हाँ। तो तभी आपका मैंने वीडियो देखा। हाँ हाँ। वो देखने के बाद जैसे आपने बताया था, तो पहले मैंने तो मेरे वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा अच्छा, ये सबसे बड़ा वही चीज था। हाँ सही किया, इनको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो बिल्कुल डरने का बात नहीं है, मैंने आपने जैसे बोला था वैसे सिम कार्ड निकाल लिया और ये तो मेरा दूसरा नंबर है। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो उसने वो फोटोज भेजना चालू कर दिया। मतलब किसको किसको भेज रहे हैं वैसे? 3-4 दिन का तो कॉल आया था मुझे। अच्छा अच्छा। और फोटोज भेजे थे आपको, स्क्रीनशॉट भेजे थे कि देखो ये फोटो आया है? हाँ। तो जो फोटो जिनके पास जा रहा है, क्या जिन जिन लोगों के पास गया, वो आपने रेफरेंस में नंबर जिनका दिया था उन्हीं के पास तो गया नहीं है ना, कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में वाले को गया है? नहीं, कॉन्टेक्ट कैसा है, उसमें पहले ना आपको 2 नंबर पूछते हैं कि एक 2 नंबर दीजिए ऐप में, कि यानी क्या बोलते हैं उसको, ब्रदर का या लाइक अपना सिस्टर का, पेरेंट्स का, किसी का भी। हाँ हाँ, सही सही सही। हाँ। वैसे मैंने क्या किया था, मेरा ये जो वाला एक नंबर था वो दिया था, मेरा वाइफ का नंबर था उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसके लिए तो ज्यादातर कॉल पहले पहले जो आ रहे हैं ना, तो ये नंबर और मेरे वाइफ के नंबर पे कॉल आ रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, रेफरेंस में ही ज्यादा अधिकतर आते हैं। हाँ सही बोले। और उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी है 4-5 कॉन्टेक्ट जिनको जो फोटो भेजे गए हैं, लेकिन मैंने वो स्टेटस और ये सब रख दिया है। अच्छा चलो, ये तो सही किया। एक्चुअली क्या है, मेरे को बाकी सब लोगों से लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा। जो कॉन्टेक्ट में और लोग भी है ना। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट लोग चला भी जाता है, कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये सब करने के बाद भी ना मन में एक डर और ये सब रहता ही है कि कब खत्म होगा। हाँ हाँ, ये तो सही है। हाँ हाँ। अभी मैं साइबर गया था, साइबर सेल में भी गया था मुंबई। अच्छा अच्छा, क्या बोले लोग साइबर सेल वाले? उनको भी सेम सिचुएशन बताया, उन्होंने भी जो आपने बोला था वही बताया मेरे को। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरे को एक और मतलब कि लड़की ही थी, कोई बात की थी शायद गुजरात की थी, तो वो भी यही बोल रही थी कि जो आपने हर एक वीडियो में बताते हो ना, साइबर वाले भी यही बताए मुझे। मैं बोला कि चलो ये तो कम से कम कर रहा हूँ सही। अच्छा हाँ,
तो फिर वही बताया उन्होंने, और वो तो कैसा ऑफिशियल कंप्लेंट डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको ट्रैक भी करने चले जाए तो कुछ मतलब नहीं है। हाँ, सही बात है। वीपीएन और ऐसे यूज करते हैं। हाँ, वीपीएन यूज करते हैं। ऑप्शन है, आपको बंद करना है, आपको कुछ नहीं देना है। हाँ, और ये थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा जो गलती है उस। हाँ, सही बात है। तो वो बोले कि 15-20 दिन या फिर महीने भर के लिए मोबाइल बंद ही रखोगे। हाँ, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि 15-20 दिन मतलब कम से कम तो एक महीने तक आपको वो सिम को बंद करना ही पड़ेगा। डिसेबल कर लो, बंद कर लो, या जो भी काम करना है करो। रात वात में अपना काम वम करना होता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब ज्यादातर बंद करोगे। क्या है, वो जो नंबर था वो सब मेरे बैंक अकाउंट से लेंगे और आधार कार्ड से लिंक था मेरा। मैं समझ सकता हूँ। वो नंबर निकाल लिया तो ना ही फोन पे चल रहा है, गूगल पे चल, कुछ ही नहीं चल रहा है उसके। नहीं, चेंज कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जाइएगा तो उधर भी खर्चा वर्चा होगा। उससे बढ़िया कि एक महीने तक आप मतलब कि बंद करके रखो। हाँ, आप काम पड़ता है ना, जैसे कि लाइक अभी आपको काम पड़ा, ठीक है, कुछ भी चीज का, तो आप उस समय मतलब फोन में ही रखो, डिसेबल करके उस सिम को रखो और काम करके अगेन से उसको डिसेबल कर दो। ये कर सकते हो आप। हाँ, लाइक कहीं मतलब कहीं भी पैसा वैसा पे करना हुआ उसी समय एनेबल करो उस सिम को फोन में ही रख करके, और फिर से डिसेबल कर दीजिए सिंपल। उतना देर में थोड़ी ना वो कॉल, थोड़ी ना आपको जानेगा कि कब आप पैसे पे करने वाले हो, कब किसी का कोई भी ओटीपी आने वाला है, मैसेज आने वाला है, ऐसा कुछ करके, तो थोड़ी ना हो जानेगा। सिंपली से बंद कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं ना। और फोन पे भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लाइक अगर आप वो निकालिएगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपका फोन, जैसे कि आपके फोन में वो सिम रहेगा ना, तो फोन पे तो लॉगिन होगा, अपना बैंक बैलेंस भी चेक होगा, किसी के पास पैसे भी जाएगा, उसमें ओटीपी थोड़ी ना मांगता है फोन पे से किसी के पास पैसे पे करने पे। बस आपके सिम होना चाहिए आपके फोन के सिम स्लॉट 1 में, ऐसा होता है ना। अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो जा करके आपका क्या होता है ना, ओटीपी वगैरह जाता है, या ईएमआई का कोई भी प्रोडक्ट अगर बाई करते हो उसमें ओटीपी जाता है, तो उस समय काम होता है, बाकी और समय कोई भी काम नहीं होता है। ऐसा आपको भी पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, है ना। हाँ, तो बस सिम को आप रखो उस फोन में ही, मतलब डिसेबल करके रखो। आप फोन पे, गूगल पे, जो भी भीम यूपीआई आईडी चलाना चाहते हो चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सिम को डिसेबल ही करके रखिएगा, ना कि इनेबल करके रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये चीज कर सकते हैं। बाकी एक महीना तक, जैसा कि साइबर वाले भी बताए, मैं भी हर एक वीडियोज में यही बताता हूँ कि एक महीना तक आपको कॉल करके परेशान हरासमेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं, ठीक है ना। देखो अगर मान लीजिए अलग नंबर से भी कॉल करते हैं ना, कैसे भी आपसे कॉन्टेक्ट भी कर लेते हैं, जैसे बात करते हैं ना वैसे ही आपको बात करना है, बोलना है कि जो तुमको करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं एक भी रुपया रिपेमेंट नहीं करना। चलो सबसे पहले तो आपने गलती यही कर दिया कि रिपेमेंट कर दिया, रिपेमेंट तो आपको करना नहीं था, क्योंकि देखो ये लोन अप्लीकेशन 7 डेज वाला है, और 7 डेज के नाम पे हरासमेंट ब्लैकमेल करेगा ही करेगा, क्योंकि मान लो आप एक बार लोन क्लियर कर दोगे उनका, तो अगेन से 7 डेज के बाद कोई और एजेंट आता है, आपको बोलेगा कि मैं रियल एजेंट हूं, तुम किसी और फ्रॉड एजेंट को तुमने पैसे पे कर दिए, या कोई बोलेगा कि वो काम छोड़ दिया, तुमको मुझे अगेन से पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके मतलब कि तिलिया चरित्र जो होता है ना, वो हम लोग के साथ खेलते हैं, और काफी ज्यादा इंडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ कर रहे हैं ना। तो आपने चलो रिपेमेंट कर दिया तो कोई ना, मतलब आपको पता नहीं होगा या आपको लेट से पता चल गया होगा, लेकिन अब आपको रिपेमेंट नहीं करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा दिक्कत होता है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, और कोई डाउट है? चलिए, वेलकम भाई। हाँ, वेलकम। तो आई होप ने कि आप इस वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया होगा और स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे। तो भाई देख सकते हो साइबर क्राइम में भी ये भाई साहब गए और वहां पे कंप्लेन करने के लिए थे, बट वहां पे बोले लोग कि बस जो मैं हर एक वीडियोस में बताता हूं कि सबसे पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो, उनको ब्लॉक करो, सिम को निकाल करके आपको एक महीने तक रखना पड़ेगा, यानी कि डिसेबल करके भी रख सकते हो। तो भाई इसीलिए हर एक वीडियोस में बोलता हूं कि जो तरीका बताया उस तरीके को बस फॉलो करोगे ना, तो अगर आप भी कोई भी एप्लीकेशन से हरासमेंट ब्लैकमेल हो रहे होगे तो आप बच सकते हो। ये भाई साहब एआई क्रेडिट से, लेजेंड रूपी से, और लोन नाउ लोन एप्लीकेशन से, यानी तीनों एप्लीकेशन से लोन लेकर के फंस चुके थे, और इन्होंने रिपेमेंट भी कर दिया था, लेकिन फिर भी इनको हरासमेंट ब्लैकमेल किया ही जा रहा था, तो दिक्कत होता है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप अपना कॉलिंग नंबर सेंड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।